हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टुडे आई एम सो सो मच एक्साइटेड बिकॉज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो अभी तक मैंने अपने चैनल पे नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, इंडियन यूट्यूबर्स को भी, फॉरेन यूट्यूबर्स को, जो इस तरीके के करते हैं चैलेंज। येस, यू हर्ड इट राइट। तो आज मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज। तो आज का चैलेंज भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं लिपस्टिक पे चैलेंज। 100 कोट्स ऑफ लिपस्टिक मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करने वाली हूँ और देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कैसा फील होगा, यू नो, एक कोट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दो डबल कोट करते हैं अपने लिपस्टिक को और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, लेकिन 100 कोट्स, कैन यू इमेजिन 100 कोट्स में क्या होगा हमारे लिप्स का, आई डोंट नो। तो बस मैं भी यही डिस्कवर करने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आगे। तो आप भी मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। आई होप मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाऊँ। इस चैलेंज को करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आपको अगर मेरा ये चैलेंज पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कर देते हैं। चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ उसके बारे में। यहाँ पे मेरे पास ये 50 लिपस्टिक्स हैं और मैं हर लिपस्टिक के दो दो कोट अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे 100 कोट्स करने हैं। तो पहले 50 लिपस्टिक्स को एक बार कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से हम इन्हीं 50 लिपस्टिक्स को अपने लिप्स पे रिपीट करेंगे। तो चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने लिप्स पे अच्छे से लिप बाम लगा ली है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुछ अप्लाई कर लिया है अपने लिप्स पे। रैंडमली जो भी लिपस्टिक मेरे हाथ में आ रही है वो मैं अप्लाई करती जा रही हूँ। आई हैव अप्लाइड 27 लेयर्स ऑफ लिपस्टिक, कैन यू बिलीव इट। मैंने लाइफ में कभी भी इतनी लेयर्स ऑफ लिपस्टिक की अप्लाई नहीं की, और अब मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि हैवीनेस से आ रही है। सो फाइनली यू कैन सी आई हैव अप्लाइड 50 लेयर्स ऑफ लिपस्टिक। बास्केट बिल्कुल खाली हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई फील होने लगे हैं मुझे अपने लिप्स। ऐसा लग रहा है कि सदियों से मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं किया है, बट मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इतनी लेयर्स लिपस्टिक की लगाऊंगी। और बीच बीच में यू नो हल्का सा फैल भी रही है, क्योंकि ये बुलेट लिपस्टिक्स हैं, तो साइड बाय साइड में उनको क्लीन भी कर रही हूँ ताकि मैसी ना दिखे। तो आई हैव रिफिल्ड द बास्केट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द 51 लेयर्स। डन 71 लेयर ऑफ लिपस्टिक्स। और इतनी सारी लिपस्टिक के लेयर लगाने के बाद आप देख सकते हो मेरे लिप्स का शेड कुछ अलग ही शेड बन गया है। कुछ किसी ने मेरे लिप्स पे कुछ लगा दिया हो, कुछ यू नो किसी चीज़ से टेप वगैरह या कुछ ऐसा लगा दिया है, जो कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं और बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है साथ साथ। This is, I applied the 99th lipstick and one more left, the 100th one, and I have completed the 100 coats of lipstick challenge. So, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाती हूँ मेरे लिप्स, देख सकते हो आप, और लिप्स ड्राई फील हो रहे हैं, हल्की हल्की सी जलन सी भी महसूस हो रही है मुझे अराउंड माई लिप्स, क्योंकि इतनी सारी लेयर्स लगाए हैं पहली बार। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, आप लोग देख सकते हो। और मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं इतने सारे लिपस्टिक लगाने के बाद कहीं भूतनी या चुड़ैल ना दिखूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हूँ। लिपस्टिक को अप्लाई करने में, वीडियो शूट करने में 3-4 घंटे आराम से मुझे लग गए। सो इतनी मेहनत से लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा रिमूव करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो
सो आप लोग देख सकते हो पूरा वाइप मैंने गंदा कर दिया है लिपस्टिक को रिमूव करते करते, और लिपस्टिक रिमूव करने के बाद आई फील सो लाइट। हल्की सी जलन हो रही है मेरे लिप्स पे और अराउंड माई लिप्स, क्योंकि इतनी सारी लिपस्टिक की लेयर अप्लाई की और उसको रिमूव किया तो बहुत ज़्यादा हार्श हो गया। लिप्स मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, हल्का हल्का सा टेंट आपको मेरे लिप्स पे अभी भी दिख रहा होगा। तो बस यही तक था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा ये चैलेंज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं आया ये ज़रूर बताना आप लोग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।